विनोद चौधरी, आज आपके लिए वीडियो लेकर हम जिसमें हम एक्सरसाइज 12 के जो मेन क्वेश्चन थ्योरम है वो करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 12 एक्सरसाइज के अंदर मेन जो क्वेश्चन है उनमें से कुछ आपको जो बेसिक उससे रिलेटेड चीज़ें वो याद रहनी चाहिए। जैसे वर्थ के अंदर, ये वर्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो वर्थ के अंदर अगर दो जीवाएँ आप उसमें खींचो और वो दोनों जीवाएँ बराबर हो तो केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो दोनों कोण उन जीवाओं के द्वारा बने हैं वो बराबर होंगे। और उसका विलोम है कि अगर दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो दोनों जीवाएं बराबर होगी। कि वर्थ के अंदर अगर केंद्र से जीवा पर आप लंब डालते हो तो वो लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा इसका विलोम है कि वर्थ के अंदर केंद्र को आप जीवा के मध्य बिंदु से मिलाते हो तो वह रेखाखंड उस पर लंब होता है। आगे 12.8 थ्योरम है कि वर्थ के अंदर अगर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है और उसी चाप के द्वारा वर्थ के शेष भाग यानी जो कोण पहले बना हुआ है उस चाप को छोड़कर के बाकी के जो शेष भाग है तो शेष भाग में आप वो बिंदु लघु वर्तखंड में ले सकते हो, दीर्घ वर्तखंड में ले सकते हो और अर्धवर्त में ले सकते हो। तो तीनों कंडीशन में से आप कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो। जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो ये बिंदु लिया गया है वो दीर्घ वर्तखंड में लिया गया है। तो जो वर्त का शेष भाग बचा है यानी ए बी चाप है, तो इसके अलावा जो शेष भाग कौन सा है, ये बी ए चाप है। चाप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो बी ए चाप है। तो इस चाप के ऊपर शेष भाग में अपन ने बिंदु सी ले लिया है और सी बिंदु के द्वारा जो ए बी चाप पर कोण बनेगा वो कौन कौन सा है, ए सी बी है। तो ये कह रहा है कि जो केंद्र का कोण है ए ओ बी वो इस शेष भाग वाले कोण का दुगने के बराबर है। या ऐसा पूछ सकता है कि जो शेष भाग में जो कोण बना है वो उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा है। तो इस तरह भी वो चेंज करके थोड़ा दे सकता है। तो इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए बिल्कुल इजी थ्योरम है। इसको अपन कैसे सिद्ध करेंगे, 9th क्लास में एक आपने प्रमेय पढ़ी हुई है कि अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, तो उससे रिलेटेड अपने यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये केंद्र वाला कोण हो गया ए ओ बी जो कि ए बी चाप द्वारा बना हुआ है, और सी बिंदु वाला हो गया शेष भाग में अंतरित कोण ए सी बी। तो ये दिया हुआ में लिख दिया। अब सिद्ध क्या कर रहे हैं कि ए ओ बी है वो ए सी बी के दुगने के बराबर है। अब यहाँ पे रचना करनी पड़ेगी अपने को कि सी को ओ से आप मिलाते हुए डी बिंदु तक आगे बढ़ाओगे, यानी सी को अगर आप ओ से मिलाते हो उसके बाद आपको डी तक आगे एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पे अगर आप इनको कोणों का नाम दोगे तो ए सी ओ और बी सी ओ ऐसे थोड़ा सा अल्फाबेट के अंदर आप लेते हो तो कठिन लगेगा, इसलिए इनको नंबरिंग दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल 1 और 2 है वो सेंटर वाले जो दोनों एंगल उनका योग बनेगा, 3, 4 है वो ए सी बी है, 5 और 6 इधर ए और बी बिंदु वाले कोण बने हुए हैं। अब उत्पत्ति के अंदर ओ सी और ओ ए ये त्रिभुज ए ओ सी की भुजा है, तो ये दोनों ही क्या त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है और ओ ए भी त्रिज्या है। तो ये दोनों त्रिज्या अगर बराबर है तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई है ये, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो 3 और 5 नंबर कोण भी बराबर होंगे। तो इस तरह से अपन इसका प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए ओ सी में, तो त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में क्या है कि ओ ए के बराबर ओ सी है, ये दोनों ही क्या है त्रिज्याएं हैं, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होती है एक ही वर्त की, तो कोण 3 के बराबर क्या होगा कोण 5, इसमें एक नंबर 1 बना दी कि जो भुजाएं बराबर है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब त्रिभुज जो ए ओ सी है, ए ओ सी की भुजा जो सीओ को आगे बढ़ाने पर ये बेस कोण बन रहा है एक नंबर कोण, क्योंकि सीओ भुजा को आगे एक्सटेंड किया गया तो ये एक्सटीरियर एंगल है 1। तो ये प्रमेय पढ़ा हुआ कि त्रिभुज के अंदर अगर एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बेस कोण बनता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल 1 है वो किन का सम है, जो ये बेस कोण है वो 3 और 5 के सम के इक्वल है, तो एंगल 3 + 5 इनके जोड़ के बराबर है। या फिर मैं लिख सकते हो कि त्रिभुज का जो बेस कोण है, त्रिभुज में बेस कोण है वो अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, बेस कोण है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।
योग के बराबर होता है। अब ये समीकरण नंबर हो गई है दो। अब समीकरण नंबर एक और दो को अपन यूज करते हैं। देखिए अपने को पांच नंबर कोण नहीं चाहिए, अपने को जो आंसर लेकर आना है वो केंद्र वाला कोण एओपी यानी वन और टू एंगल से रिलेटेड होना चाहिए और सी वाला एंगल यानी थ्री और फोर से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर आप इस पांच को चेंज कर सकते हो समीकरण नंबर एक से। पांच किसके बराबर है? तीन के बराबर है। तो समीकरण जो एक और दो है, समीकरण एक व दो से क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो कोण एक है वो तीन की जगह तो तीन ही रखिए आप, और जो पांच है उसकी जगह समीकरण नंबर एक से आप क्या लिख दोगे? तीन। तो ये हो गया दो कोण तीन, यानी कोण तीन के दुगने के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर हो गई है तीन। ये एक नंबर कोण है वो तीन के दुगने के बराबर हो गए। इसी प्रकार जैसे त्रिभुज ए ओ सी लिया है, इसी प्रकार उस साइड वाला त्रिभुज कौन सा है? बी ओ सी में। तो आप इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी के अंदर अगर रिजल्ट लेकर आते हो, त्रिभुज बी ओ सी में अगर आप पूरा करना चाहते हो ऐसे कि एंगल चार के बराबर छह है और दो जो कोण है वो चार और छह के जोड़ के बराबर है, उसके बाद आप छह को चेंज करोगे तो वो चार लिख दोगे, तो कोण दो है वो चार के दुगने के बराबर। जैसे यहां पर कोण एक है वो तीन का दुगना आया है, तो उस साइड में कोण दो है वो किसका दुगना आएगा? चार नंबर कोण का। तो आप अगर पूरा करना चाहते हो तो आप पूरा कर सकते हो, अगर टाइम है, अगर टाइम कम है तो आप उसको इसी प्रकार लिख करके, और जो कोण दो है वो किसका दुगना आएगा? कोण दो किसका दुगना आएगा? चार का। तो ये दो कोण चार का दुगना आ गया, ये समीकरण नंबर हो गई चार। जैसे कोण एक कोण तीन का दुगना आया है, तो जैसे अपन ने तीन नंबर समीकरण बनाई है उसी तरह समीकरण नंबर चार बना रहे हैं, तो दो है वो किसका दुगना आ रहा है? चार नंबर कोण का। अब यहाँ पे अपने को एक और दो कोण का योग करना पड़ेगा, क्योंकि ए ओ बी कोण चाहिए। तो ए ओ बी कोण पूरा कब बनेगा? जब कोण एक और दो का जोड़ होगा। तो एक व दो समीकरण नंबर तीन व चार की लेफ्ट साइड है, तो आप तीन व चार को जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो समीकरण तीन व चार को जोड़ने पर समीकरण तीन प्लस समीकरण चार, इन दोनों को आप जोड़ते हो तो कोण एक में तो कोण दो का जोड़ हो जाएगा, और राइट साइड में क्या है? दो कोण तीन प्लस दो कोण चार। कोण ये एक प्लस दो बराबर दो, दोनों में से कॉमन आ गया, तो कोण तीन प्लस कोण चार। कोण एक और दो का जोड़ करने पर कौन सा बनता है? ये ए ओ बी बनता है, बराबर दो कोण तीन व चार को जोड़ते हो तो कोण ए सी बी बनता है। तो ये केंद्र का जो कोण है वो उसी चाप द्वारा परिधि वाले कोण का दुगने के बराबर आ गया है। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन छह नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर जो आपको कोणों का मान निकालना पूछ सकता है एक नंबर में जो क्वेश्चन दे सकता है, या उससे रिलेटेड जो तीन नंबर में भी है आगे जहाँ पे आपको कोणों का मान निकालना है, तो उसमें ये थ्योरम यूज आएगी। तो आपको वहां पे केंद्र वाले और परिधि वाले का दोनों का चाप देखना है, और अगर एक ही चाप पर बने हुए कोण तो केंद्र वाला उसका दुगना होगा। अब इसी से रिलेटेड वो एक उसका ऊपर में है कि अर्धवर्त का कोण है वो समकोण क्यों होता है? देखो अर्धवर्त का कोण है तो वर्त के अंदर व्यास होगा, तो वो इसी थ्योरम के अनुसार रिजल्ट आता है। जैसे ये अर्धवर्त है जिसमें ये ए बी क्या है? व्यास है। तो अगर अर्धवर्त में आप यहां पर कोण बनाते हो तो ये कोण 90 डिग्री का क्यों है? उसका कारण ये है, ये कोण जैसे सी बिंदु पर बना हुआ है तो 90 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि ये जो ओ बिंदु पर बना हुआ है, अगर ए बी व्यास है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। और अभी अपने प्रमेय पढ़ी है कि अगर चाप एक ही है, देखो ये केंद्र पे कोण बना हुआ है इसका चाप ए बी है, और ये परिधि का कोण है सी बिंदु पर है तो ये इसका भी चाप ए बी है, तो ये केंद्र का कोण है तो परिधि वाला इसका आधा होगा, तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इस कारण से अर्धवर्त में जो भी कोण आप बनाते हो उसका मान हमेशा ही 90 डिग्री आएगा। तो आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। एक नंबर में पूछा हुआ ये बोर्ड एग्जाम के अंदर कि अर्धवर्त के कोण का मान लिखिए, तो अर्धवर्त का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। और एक नंबर में ये भी पूछ सकता है कि जो दीर्घ वर्तखंड में कोण बनता है वो कितना होता है, तो दीर्घ वर्तखंड का कोण होता है, जैसे दीर्घ वर्तखंड में बना हुआ है तो ये न्यून कोण है, और अगर लघु वर्तखंड में कोण बनता है तो वो अधिक कोण बनता है। तो इस तरह से एक एक नंबर में छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, इसको ध्यान से कीजिए।